वाला मल मास इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। तो आइए जानते हैं अधिक मास मल मास या पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति यानी जन्म कथा। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने अमरता हेतु वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना 12 महीने में मरूं आदि आदि। इसीलिए विष्णु जी ने 12 महीने के अतिरिक्त एक अधिक मास का निर्माण किया। सभी ग्रह नक्षत्रों के स्वामी थे, परंतु अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था, जिससे इस मास में कोई भी मांगलिक शुभ कर्म आदि त्याज्य था। इसीलिए अन्य लोग इसको घृणा से मल मास कहकर बुलाने लगे। मल मास ने अपनी व्यथा विष्णु जी को बताई। विष्णु जी मल मास को गौलोक लेकर गए, जहाँ भगवान कृष्ण थे। व्यथा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य बना देता हूँ। जितने गुण मुझमें हैं, वो सब आज से मैंने मलमास को सौंप दिया। आशीर्वाद के साथ ऐसा वरदान श्री कृष्ण ने दे दिया, आज से मैं इसका स्वामी हूँ कि मलमास धरा पर पुरुषोत्तम मास से जाना जाएगा। तब से इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। दूसरे वीडियो में जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें अपनी मनोकामना पूर्ण और अमित पुण्यों की प्राप्ति। 3 साल में एक बार आने वाला अधिक या पुरुषोत्तम मास मनोकामना पूर्ण और अमित पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। ये मास दारिद्र्य, दुख, शोक, पाप नाशक है। इस माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख शोकों का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है, आयु बढ़ती है। इस मास में पुण्य कर्म, सत्संग, जप, ध्यान आदि करना विशेष लाभदायी है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक इस मास में अनंत फल की प्राप्ति के लिए शंख की ध्वनि के साथ कपूर अथवा रुई की बत्ती से आरती करें। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रख कर प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ्य दें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना विशेष लाभदायी है। इस मास में गीता के 15वें अध्याय का प्रेम पूर्वक पाठ करना और गायों को घास व दाना खिलाना चाहिए। अधिक मास में आंवला, जौ और तिल का थोड़ा मिश्रण बाल्टी में डालकर या सप्तधान उबटन लगाकर स्नान करना स्वास्थ्य और प्रसन्नता देने वाला है। भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वो निस्संदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। और जो प्रमाद से इस मास को खाली बिता देते हैं, उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र्य, पुत्र शोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। अधिक मास में वर्जित कर्मों की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, सभी अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि एक एक क्षण कीमती है। क्या पता ये अवसर फिर प्राप्त होना हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और सटीक जानकारी के लिए मंगलमेज पेज को फॉलो करें। जय श्री कृष्ण।